उत्तर प्रदेश में एक अनोखा विद्यालय जहां इंसान नहीं जानवर पढ़ाए जाते हैं। क्या आपने कभी इंसानों के विद्यालयों में जानवरों की प्रयोगशाला देखी है? नहीं देखी तो यह रिपोर्ट देखें। यह है यूपी जनाब, यहां इंसान ही नहीं जानवर भी पढ़ाए जाते हैं। यहां के विद्यालय में जानवरों के पढ़ाने के लिए प्रयोगशालाएं भी हैं, जहां आपको ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हैरोन भी दिखाई देंगे। आज हम आपको मथुरा जनपद के एक ऐसे विद्यालय की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो बालिका विद्यालय है, जिसमें कागजों पर 50 से अधिक छात्राएं पंजीकृत हैं, लेकिन विद्यालय पिछले 5 साल से बंद पड़ा हुआ है। विद्यालय में एक विषयक व एक शिक्षिका भी तैनात है। यदि ग्राम प्रधान रूप सिंह व ग्रामीणों की बात पर यकीन करें तो दोनों ही शिक्षक पिछले 5 वर्ष से विद्यालय ही नहीं पहुंचे। विद्यालय के ताले पर लगे जाले पर इस बात की गवाही देते हैं कि प्रधान व ग्रामीणों की बात में दम है। ऐसा नहीं है कि इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को नहीं है। शिक्षा विभाग के जिलाधिकारी इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं, मगर वे अपने इसी लगे ऑफिस में से बाहर नहीं निकल रहे। उनके पास इतना टाइम नहीं होता, ना इतना वक्त होता है कि वे छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले निकम्मे और नकारा अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण जहां विद्यालय को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, वह गाँव अगरियाला पर तैनात रेखपाल अवैध कब्जा हटाने के लिए दबंगों की गाली खा रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। नकारा और निकम्मे केवल वहां पर तैनात शिक्षक ही नहीं है, ये रोग शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को भी लगा हुआ है। एसडीएम छाता के आदेश पर अवैध कब्जा हटाने के लिए एसओ शेरगढ़ अपनी पुलिस फोर्स के साथ तो पहुंच गए, मगर नहीं पहुंचे तो वहां पर तैनात शिक्षक व शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी। इससे एक बात तो साबित होती है कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई भी पीछे नहीं हट रहा। योगी जी जहां बालिका शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, वहीं ऐसे शिक्षक क्या योगी जी को चुनौती दे रहे हैं? योगी जी, आप कितनी भी कोशिश करो मगर हम नहीं सुधरेंगे। भाई, क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, इस समय आप कन्यापुर माध्यमिक विद्यालय कार्यालय में खड़े हैं, क्या स्थिति है विद्यालय की? स्थिति विद्यालय की प्रशासन की तरफ से खराब है। ले आ जाए, एक बात बताइए, जूनियर हाई स्कूल है अगरियाला में, वो भी टाइम पे खुलता है, टाइम पे बंद होता है। उसमें क्यों नहीं कोई भी आवारा पशु या कोई भी सामान खड़ा करते, जब यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, खाली जगह पड़ी है, तो इन लोगों ने वो अपने कब्जे में ले रखी है। किन लोगों ने कब्जे में ले रखी है? तो ये सबके खड़े हैं, पड़ोसी के सबके यहाँ पशु बंधे हुए हैं जी। टीचर यहाँ कब से नहीं आ रहे हैं? टीचर ना आ रहे, 3-4 साल दे दो, हम देख रहे हैं, 3-4 साल नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह है जी। श्याम सिंह है जी, ये विद्यालय, आप अगरियाला विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय अगरियाला में खड़े हुए, क्या स्थिति है विद्यालय की? विद्यालय की स्थिति बिल्कुल जर्जर, पूरी गंदगी, ट्रैक्टर ट्रॉली कटर हैरो कल्टीवेटर पशु सब आपको दिख रहा है। और फिर आपने इसका निरीक्षण किया, सब आपको भी कैमरा आपको बता रहा होगा, और इसकी स्थिति इतनी खराब और खतरनाक है, ये कोई प्रशंसा ही ना करी जा सके। क्या कितने समय से यहाँ टीचर नहीं आ रहे हैं? ये 5-6 साल से टीचर आते ही नहीं है, न कोई टीचर है न कोई कुछ है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? डालचंद। डालचंद, आप इस समय कहाँ खड़े हुए हैं? विद्यालय में, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में। क्या स्थिति है विद्यालय की? उजड़ पड़ी है बिल्कुल, हम गंदगी तो नहीं, डब्बारदान और ट्रैक्टर ट्रॉली है और कंटीमेटर पशु बने हुए गोबर पड़े हो धातु। शिक्षक आते हैं कि नहीं आते हैं यहाँ? शिक्षक देख ही नहीं, 5 साल से तो नहीं, हम पिछले 5 साल से शिक्षक नहीं आए कोई भी। चलिए, हाँ जी, क्या नाम है आपका? रूप सिंह प्रधान अगरियाला। रूप सिंह प्रधान अगरियाला, आप इस समय कहाँ खड़े हुए हैं? कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय मतलब? कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय अगरियाला। कन्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय अगरियाला में इस समय आप खड़े हुए हैं। इस समय विद्यालय की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत गंदगी, पशु और यह सामान पड़ा हुआ है, विशेष गंदगी। सामान किसका पड़ा हुआ है, किससे संबंधित सामान है? सामान कृषि संबंधित सामान है। किसका है ये सामान? सामान इसका है, ये मोहन श्याम और ये धर्मवीर। ये विद्यालय नियमित रूप से खुलता है कि नहीं खुलता है? ये सब 5 साल से नहीं खुल रहा है। पिछले 5 साल से विद्यालय बंद है? बंद है। कोई भी टीचर यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं आता? आता नहीं है। कोई भी टीचर नहीं आता? कोई टीचर नहीं आता। आपने इससे संदर्भित कोई शिकायत उच्च अधिकारियों को की है? शिकायत दी है 6 माह में ब्लॉक में। क्या शिकायत है? इसी के लिए ये चालू होना चाहिए। विद्यालय पिछले 5 साल से बंद है, कोई भी टीचर यहाँ? बिल्कुल बंद है।
तो आप इस संबंध आप क्या चाहते हैं प्रशासन? ये चालू कराना चाहता हूँ।